दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहां केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का पंजाब मॉडल पेश किया, जिसमें केजरीवाल ने 10 पॉइंट्स दिए हैं और कहा कि इसके आधार पर पंजाब की स्थिति को सुधारा जाएगा। केजरीवाल ने दावा भी किया कि 5 साल के अंदर ही अंदर कैनेडा गए युवा वापस पंजाब लौटेंगे। केजरीवाल ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला के खाते में 1,000 रूपये डाले जाएंगे, खेती व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, व्यापार और इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। केजरीवाल ने कहा कि रोजगार के अवसर पैदा करना, नशे के सिंडिकेट को खत्म करना, पंजाब में शांति व्यवस्था कायम करना, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब, शिक्षा व्यवस्था को शानदार करना, पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने, पंजाब में 24 घंटे मुफ्त बिजली देना आम आदमी पार्टी के इन 10 सूत्री एजेंडों में शामिल है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनी तो एक नया खुशहाल और तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे। '68 से लेकर आज तक इन दोनों की पार्टनरशिप की सरकारें थी। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, चाहे बादल परिवार की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, गठजोड़ में इन्होंने पार्टनरशिप में सरकारें चलाई। इनकी सरकार आती थी तो वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था, उनकी आती थी तो इनके खिलाफ, दोनों लूटते थे, मिल बांट के खाते थे, दोनों लूटते थे। इस बार लोगों ने मन बनाया है, इसे खत्म करना है, बहुत हो गया। इस पार्टनरशिप की सरकार को खत्म करके आम लोगों की सरकार बनानी है, आम आदमी की सरकार बनानी है, आम पंजाबी की सरकार बनानी है। लोग मन बना चुके हैं कि इन दोनों को उखाड़ के एक मौका लोग इस बार आम आदमी पार्टी को देने का मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे? मैं भी बहुत दिन से पंजाब में घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। मान साहब पंजाब के ही हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनको बहुत अच्छी समझ है पंजाब की। उन सारे इनपुट्स को लेके हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10-पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक नया पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे, विकास वाला पंजाब बनाएंगे, तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे, जिसमें ये 10 बड़े-बड़े एजेंडा होंगे। सबसे पहला एजेंडा है रोजगार। आज हमारे बच्चे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर घर के अंदर बेरोजगार है। रोजगार ना मिलने की वजह से हर बच्चा कनाडा की तरफ देखता है, हर माँ बाप को लगता है यार मैं अपने बच्चों को किसी तरह से कनाडा भेज दूँ। हम ऐसा खुशहाल पंजाब बनाएंगे जिसमें जो बच्चे कनाडा चले गए, मैं आज आपको यकीन देता हूं कि 5 साल के अंदर वो सारे बच्चे पंजाब वापस आना शुरू करेंगे, पंजाब के अंदर रोजगार के इतने सारे अवसर।